दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं क्रेडिट क्रिएशन के बारे में, मतलब कि साख क्या होता है इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अभी तो मैं आपको RBI के बारे में पढ़ाने वाला था, बट RBI जब आप पढ़ोगे, जब उसके मौद्रिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको एक पॉइंट बड़ा परेशान करने वाला है, उसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन। आप कोई भी किताब उठाकर देख लो, किसी भी किताब में आपको क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है डिटेल में कहीं भी नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, मैं खुद इन चीजों को लेकर के काफी रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद मेरे मन में केवल एक थी कि मैं ऐसा कौन सा एग्जांपल तैयार करूं कि आप लोगों को ये क्रेडिट क्रिएशन समझ में आ जाए। ना किसी से आप पूछोगे ना क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, सामने वाला कहेगा साख नियंत्रण, या आप पूछोगे साख नियंत्रण क्या होता है, तो सामने वाले बोलेगा कि भैया क्रेडिट क्रिएशन को साख नियंत्रण कहते हैं। और किसी बच्चे से पूछ दो ये साख नियंत्रण क्या होता है, ये RBI साख नियंत्रण क्यों करती है, ठीक है, वजह क्या है, ये इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसके तरीके क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में अगर किसी से आपने कुछ पूछ दिया तो सामने वाला फिर क्या होता है, असमर्थ हो जाता है इसको बताने में। लेकिन आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, और फ्यूचर में अगर आपसे कोई भी ये पूछ लेगा तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ भी जाएगा और दूसरों को आप समझा भी देंगे। दोस्तों फिर से आपसे कह रहे हैं कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि हम कितने वीडियोस अपलोड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, साख का अर्थ क्या होता है सबसे पहले ये पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि हिंदी भाषा का साख शब्द जो है ये अंग्रेजी के क्रेडिट शब्द से लिया गया है, तभी तो इंग्लिश में क्या कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है, हिंदी में साख निर्माण, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन माने साख निर्माण और साख नियंत्रण दो चीजें होती हैं, एक क्रेडिट कंट्रोलिंग होता है, एक क्रेडिट क्रिएशन होता है, दोनों पॉइंट अलग अलग समझाऊंगा, ठीक है। तो याद रखिए साख को क्रेडिट कहा जाता है, और अगर लैटिन भाषा की बात करें तो लैटिन भाषा के क्रेडो शब्द से यह बना हुआ है, किससे, क्रेडो शब्द से बना हुआ है। और याद रखिए दोस्तों क्रेडो जो है ना इसका एक मिलता जुलता रूप है, कौन सा पता है आपको, क्या संस्कृत में भी है क्रेड, याद रखिए संस्कृत और लैटिन बड़ी मैच करती है, ठीक है, संस्कृत और लैटिन क्या होती है बड़ी मैच करती है। कभी एग्जांपल देके आपको और अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप सर बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए क्रेडो यहां कहा जाता है और क्रेड इसको संस्कृत में कहा जाता है। आगे दे रहा है कि लैटिन भाषा में क्रेडिट शब्द का जो आशय है, जो उसका अर्थ निकलता है वो है विश्वास। क्रेडिट माने क्या होता है, विश्वास होता है। तरह इस शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होता है, साख कहा जाता है, जिसका प्रयोग उधार देने या उधार लेने के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। आगे बता रहा है कि संस्कृत भाषा में एक शब्द है क्रेड, जिसका अर्थ है मैं विश्वास कर रहा हूं, तो इस प्रकार साख का अर्थ होता है विश्वास से, ठीक है। तो याद रखिएगा क्रेडिट माने क्या होता है, विश्वास, क्रेडिट माने क्या होता है, विश्वास। और दोस्तों चीज बताऊं, हमारी पूरी इकोनॉमी जो है ना ये इस क्रेडिट पर ही डिपेंड है, सब कुछ इस क्रेडिट पर डिपेंड है। आप सोचो ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। आज अगर थोड़े से समय में पहले चला जाऊं, जिस समय में मुद्राएं धातुओं की हुआ करती थी, मेटल के हुआ करते थे, चाहे वो सोने की रही, चांदी के रहे, पीतल के रहे, एल्युमिनियम के रहे, तांबा के थे, किसी भी चीज के थे, तो कम से कम उन मेटल का वैल्यू था, उन मेटल का वैल्यू हुआ करता था। अगर उस जमाने में उसको रुपया न भी माना जाए तो उस मेटल की वैल्यू होती थी। लेकिन आज क्या है, आज आप प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल कर रहे हो, आज आप नोट जो देख रहे हैं ना, कागज वाले नोट जो देख रहे हैं, इनका वैल्यू क्या है, क्या ये भी धातुएं हैं, धातु है नहीं, ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। तो इस कागज के टुकड़े को आप मानते क्या हो, यही आपके लिए मुद्रा है, और इसी मुद्रा का मूल्य है आपके लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस कागज के टुकड़े पर भारत सरकार ने अपना वचन लिखा हुआ है, क्या, कि मैं धारक को 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000, जो भी उस पर वैल्यू है उसकी, कि इतना रुपया देने का वचन देता हूं। और RBI जो कि भारत सरकार की केंद्रीय बैंक प्रणाली है, ठीक है, उसका जो गवर्नर है उसका हस्ताक्षर भी वहां पर होता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि उसका एक मूल्य है और आप उस मूल्य को मानिए, ठीक है, इस वजह से। अच्छा एक चीज और बताइए दोस्तों, अगर हम किसी चीज को मुद्रा बना रहे हैं, उसको मनी बना रहे हैं, तो याद रखिए उसके पीछे कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। तो ये जो हमारे यहाँ की जो करेंसी है, क्या भारत सरकार इस करेंसी के पीछे भी कुछ रिजर्व रखती है,
कुछ रिजर्व रखती है। कल को सभी लोग अपने यहाँ के कागज के नोट लेकर पहुंच जाएं बैंकों में और बोले हमको इसका वैल्यू दो, तो किसको किसको वैल्यू दिया जाएगा, किसको किसको वैल्यू दिया जाएगा? ये बहुत कंफ्यूजन वाली टॉपिक है। क्रेडिट क्रिएशन को समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन आज अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ये पूरा क्रेडिट क्रिएशन को मैं तोड़ तोड़ कर आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि किताबों में वर्णन नहीं है, इसलिए बहुत इत्मीनान से मैं इस चीज को पढ़ाने वाला हूँ। सुनिएगा जरा ध्यान से। करा आधुनिक बैंकें केवल मुद्रा में ही लेन देन का कार्य नहीं करती, ठीक है, ही नहीं करती, वरन साख निर्माण का भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। मतलब बैंकों द्वारा साख का निर्माण भी किया जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है साख का निर्माण कौन करता है, तो याद रखिए बैंकों के द्वारा साख का निर्माण किया जाता है। अच्छा, साख नियंत्रण कौन करता है, तो आरबीआई करता है। केंद्रीय बैंक जो है, बैंकों का बैंक, वो साख नियंत्रण करता है। क्यों करता है, क्या दिक्कत आ जाती है? साख, एक तरफ साख का निर्माण भी हो रहा है, दूसरे तरफ साख का नियंत्रण भी किया जा रहा है, तो ये क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, तो वो भी रीजन आपको बताऊंगा, सुनते जाइए। करा यही कारण है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका नाम है प्रोफेसर सेयर्स, इन्होंने लिखा है कि बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था नहीं है, वरन मुद्रा की निर्माण करने वाली संस्था भी है। यानी बैंक जो है वो मुद्रा का निर्माण भी करती है। मुद्रा का निर्माण, हाँ, देखिए मैं मुद्रा छापने की बात नहीं कर रहा हूं, एक एक वर्ड समझिए, ये इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स में आप हर चीजों को समझ नहीं पाते, क्यों? देखिए इसी लाइन को मैं तोड़ के समझाता हूं। अब आपको लग रहा होगा इस लाइन को पढ़ने से कि मुद्रा का निर्माण करने वाली संस्था बैंक होती है, तो आपके मन में आएगा सर ये तो गलत है ना, क्यों? क्योंकि मुद्रा का निर्माण तो आरबीआई करता है। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन आप गलत ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं। सुनिए, आरबीआई क्या करती है, ये मुद्रा का निर्गमन करती है, ये मुद्रा को छापती है, प्रिंट करती है, उसको मार्केट में इशू करती है। आरबीआई का काम ये है, जबकि मुद्रा निर्माण करने की ताकत बैंकों के पास होती है। क्यों? क्योंकि मुद्रा से ही मुद्रा का जन्म होता है। आप जान रहे होंगे कि 10 रुपए की नोट अपने आप में सिर्फ 10 रुपए की वैल्यू लिए हुई है, नहीं, ये आपका मानना गलत है। 10 रुपए की नोट अपने आप में 100 रुपए की बराबर है, 100 रुपए का नोट अपने आप में 1000 के बराबर है, और 1000 रुपए अपने आप में 10,000 के बराबर है। कैसे? अरे इसी को तो साख कहते हैं, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है इसी को, लेकिन कैसे सर, या बताइए ना सर, कैसे कैसे 10 रुपया 100 रुपए के बराबर है, 100 1000 के बराबर है, 1000 10000 के बराबर, कैसे आप कैसे मानोगे? एग्जांपल चाहिए ना, देता हूं एग्जांपल, इत्मीनान से सुनते चलो, यही तो सिखाने आया हूं कि कैसे। अब सुनिएगा, साख का अर्थ मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है। सामान्यतः एक साधारण व्यक्ति यह जानकर के आश्चर्यचकित होता है, आश्चर्यचकित हो रहा है भाई हमारा, ठीक है, तो ऐसे आप भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, हां सर बताइए कैसे। सुनिएगा ध्यान से, यदि एक बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपया जमा हो, कितना, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया जमा हो, तो वह बैंक 5000 तक का साख का निर्माण कैसे कर देता है, कैसे वो 5000 बना देगा, या कैसे वो इस, अरे फिक्स नहीं बता रहा हूं, ठीक है, ये 5000 भी हो सकता है, 10000 भी हो सकता है, तो कैसे उसके पास जमा 1000 है और बैंक 5000 उस रुपए को बना दे रहा है, कैसे? अरे वैसे ही जैसे मैंने कहा 10 को 100 बना देगा, 100 को 1000 बना देगा, 1000 को 10000 बना देगा, वही बात यहां पर लिखा है। करा अन्य शब्दों में बैंक में जितनी पूंजी जमा है उससे कई गुना अधिक साख निर्माण करने की शक्ति उसमें होती है, उतनी शक्ति उसमें होती है, लेकिन आप आश्चर्यचकित हो कैसे, आपको यही कैसे जानना है, कैसे, चलिए आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहां पर दे रहा है, साख निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार है। सुनिए, एक एग्जांपल बढ़िया से तैयार किया हूं मैं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, इसको पढ़ करके आपको लग जाएगा कि हाँ अब कंफर्म हो गया कि क्या होता है। सुनिए, जितनी बात बताऊं हाँ ना इतना ही जवाब दीजिएगा, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाएगा, नहीं तो फिर फंस जाएंगे क्वेश्चन में। सुनिए, कह रहा मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास 1000 रुपए है और वह व्यक्ति वह पैसा ला करके बैंक में जमा कर देता है। क्यों? जब तक वह पैसा उस व्यक्ति के पास होता है तब तक वह पैसे को रख करके अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है कि मेरा पैसा कहीं गुम न जाए, ठीक है, इसलिए भरोसेमंद संस्था के पास पैसे रखना चाहता है। और ये भरोसेमंद संस्था ही कौन होती है? बैंक होती है। आप भी अगर मंथली सैलरी पाते होंगे या घर से कुछ पैसे मिलते होंगे तो पर्स में रखने की बजाय थोड़े पैसे आप अपने खाते में रखते हैं,
होता है ना, या आप अपने घर में देख लो ना, आपके मम्मी पापा होंगे, ठीक है, उनका बैंक बैलेंस होगा, लोग अपने पास कैश में पैसे कम रखते हैं। अब धीरे धीरे प्रक्रिया और भी तेजी से बदल रही है, जब से फोन पे, पेटीएम और गूगल पे इस तरह की जो है सुविधाएं आ गई हैं, तब से ये सिस्टम और तेजी से बदल रहा है। अब ज्यादातर लोग क्या है, अपने खाते में पैसे रख करके डायरेक्ट वहीं से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। बस यही आपको समझाना चाह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लीजिए इस लाइन को, क्या ऐसा है? बोलिए हाँ ऐसा है, सहमत हो हमारी बात से ना। अगली लाइन सुनना, 1,000 रुपए लाकर जमा कर दिया और एक बचत खाता जाकर के बैंक में खोल लिया, सेविंग अकाउंट खोल लिया, वहां एक पैसे को जमा कर दिया। दोस्तों बैंक के पास जो ये पैसा जाता है ना, इसी को प्राथमिक जमा कहा जाता है। परीक्षा में पूछता है प्राथमिक जमा क्या है, आधे लोग कंफ्यूज, प्राथमिक जमा पता नहीं समझ में आता है, ठीक है, अभी आगे जब पढ़ाऊंगा। यमोन मुद्रा, यम टू मुद्रा, यम थ्री मुद्रा, आदि लोग परेशान हो जाएगा, सर यम1 यम2 यम3 ये क्या होते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। अरे आज एक एक लाइन समझोगे तो आगे जोड़ जोड़ करके 2-3 क्लास में समझ में आ जाएगा, नहीं तो कभी जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। सुनना, तो इसी को प्राथमिक जमा कहा जाता है, इसी को प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी डिपॉजिट। दोस्तों कई बार इसको निष्क्रिय जमा भी कहा जाता है। क्या बात करें सर, सक्रिय कि निष्क्रिय? निष्क्रिय, सक्रिय नहीं, निष्क्रिय जमा भी कई बार इसको कहा जाता है। क्यों? बैंक आपके पास गया थोड़े था, आप अपने मन से अपना पैसा लेकर आए और बैंक में खाता खोल करके अपने पैसे को आपने जमा कर दिया, समझ रहे हैं? ये होता है निष्क्रिय जमा या प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है। खैर बात की बात है, आगे दे रहा है। अच्छा, अब बैंक क्या करता है, बैंक उस 1,000 रुपए को अपने पास रख करके आपको एक पासबुक इशू कर देता है, एक छोटा सा कॉपी दे देता है, उसमें लिख देता है हाँ फला व्यक्ति का 1,000 रुपया बैंक में जमा, दे दिया आपको पासबुक, और वही पासबुक लेकर के आप मान लेते हो हाँ हमारा पैसा इस बैंक में जमा है। होता है इतना काम ना? चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक लाइन इत्मीनान समझना, बहुत बुरे फंसने वाले हो, पहले बता दे रहा हूं, दिमाग हैंग कर जाएगा, सोच नहीं पाओगे कैसे क्रेडिट क्रिएशन हो गया सर, समझ में ही नहीं आया अचानक से, इसीलिए एक एक लाइन धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। कुछ लोगों को बोर भी फील हो रहा होगा कि सर जल्दी पढ़ाइए, ठीक है, पढ़ा रहा हूं, 2 मिनट बाद हैंगआउट होने वाला आपको। सुनिए, 1,000 रुपए की पासबुक में एंट्री करके पासबुक खाता धारक को दे दिया जाता है। अब बैंक यहां पर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर आपके बारे में विचार करता है, फलाने व्यक्ति जो आया था हमारे पास, ये 1,000 रुपया हमारे पास रख के तो गया, लेकिन ये अपना पैसा हमारे पास से वापस कब ले जाएगा, ऐसा बैंक सोचता है। हाँ ऐसा सोचता है बैंक सोचता है अपना पैसा कब ले सकता है, भाई उसके पास एटीएम है, कभी भी निकाल सकता है। तो बैंक अपने अनुभव के आधार पर एक रेशियो बनाता है, मान लीजिए उसने रेशियो बना दिया 10% का या 20% का, ठीक है, एक रेशियो बना दिया और ये मान लिया कि जब ये व्यक्ति आएगा तो पूरा पैसा तो 1,000 तो विड्रॉ कर नहीं लेगा, 1,000 में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेगा, कुछ पैसा विड्रॉ। अब आप अपने ऊपर मत लागू करिए, आपके घर से 5,000 रुपया खर्चा आता है महीने में और वो 5 का 5,000 भी खत्म हो जाता है, 5 छोड़ो आता 5,000 है, खर्चा 7,000 है, तो आप अपने बारे में मत सोचिए। जो लोग कहीं जॉब करते हैं, जिनकी सैलरी आती है, आपके मम्मी पापा हो गए, उन लोगों की सेविंग हो गई, उन लोगों के अकॉर्डिंग सोचिए और बात करिए, अपने अकॉर्डिंग नहीं। आप तो अभी कमा नहीं रहे हो, आप तो बच्चे हो, ठीक है, तो आपके पास उतना पैसा आता ही नहीं है कि आप उसमें से थोड़ा निकालो, समझ रहे हैं? तो आप अपने ऊपर इन चीजों को मत लागू करके सोचिए, आप लागू करिए ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी सैलरी आती हो। अब किसी व्यक्ति की अगर 50,000 रुपए सैलरी आई एक महीने की, तो व्यक्ति तुरंत जाएगा और बैंक में फटाक से एटीएम कार्ड लगा के 50,000 तो विड्रॉ कर नहीं लेगा, वो क्या करेगा, वो 2-4-5,000 विड्रॉ करेगा। तो बैंक जो है क्या करता है, एक एवरेज सेट कर लेता अपने अनुभव के आधार पर। हाँ, जो ए नामक व्यक्ति है, ये मान लीजिए 10% पैसा विड्रा कर लेता है, तो बैंक क्या करता है ना, बैंक उस 10% को अपने पास अलग से रिजर्व करके रख लेता है, आपके पैसे में से 10% हिस्सा अलग करके बैंक एक लॉकर में रख लेता है, कहता है कि जब ये व्यक्ति आएगा पैसा मांगने, हम यही पैसा उठाकर उसे दे देंगे, समझ में आ रहा है? अब सुनिए इसके आगे कहानी। करा यह खाता धारक एक बार में 10% से अधिक की राशि को नहीं निकालेगा, ऐसा बैंक जो है विचार कर लेता है अपने अनुभवों के आधार पे। आप कहोगे सर कैसे, 20 भी नहीं हो सकता क्या? हाँ 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, तो बैंक का काम है ना, आप कहीं परेशान हो रहे हैं, आप 10% मान के चलिए ना। सुनिए ध्यान से, करा नहीं निकालेगा, अर्थात मांग को पूरा करने के लिए बैंक अपने पास जमा की गई राशि का
केवल 10% यानी 1,000 रुपया जमा हुआ था, तो 100 रुपए अपने पास रख करके बाकी का 900 रुपया किसी तीसरे व्यक्ति को उधार दे देता है। क्या करता है? उधार दे देता है। अच्छा, मतलब बैंक के पास अपना पैसा नहीं है उधार देने के लिए, उसके पास जो पैसा डिपॉजिट हो रहा है ना, वही पैसा उठा करके वो सामने वाले को उधार दे रहा है। एक व्यक्ति ने बैंक के पास लाकर 1,000 जमा कर लिया, बैंक ने उसके पैसे का कुछ परसेंट क्या कर लिया, अपने पास रिजर्व रख लिया। दोस्तों इसी को CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, कि एक अनुपात होता है कि कितना पैसा बैंक को अपने पास रखना ही रखना है, इसी को बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे बताता तो नहीं समझ में आता। अब एक एक चीज निकल कर आएगी यहीं से, सुनिएगा ध्यान से। आगे का 3-4 लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का बहुत ध्यान से देखेगा, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तो अब बैंक क्या करता है, बाकी के 900 रुपए वो किसी दूसरे उद्यमी को ले जा करके दे देता है जो उससे लोन मांगने आता है। चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। कर अब मान लो एक व्यक्ति है ए, ठीक है, वो जमा करने वाले को छोड़ करके एक व्यक्ति है ए जो किसी व्यवसाय को शुरू करने जा रहा है और उसको 900 रुपए की जरूरत है। तो आ जाता बैंक के पास, कहता साहब हमको 900 रुपया चाहिए, बहुत जरूरी काम है और व्यापार में लगाना हमें पैसा, ठीक है। तो बैंक एक बात याद रखिए, जब बैंक किसी को लोन भी देता है ना, तो नगद लोन नहीं देता। हाँ 900 चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लीजिए 900, नहीं ऐसे नहीं देता है बैंक। जब भी लोन देता है, आपको शायद ना पता हो, याद रखिए सामने वाला का खाता खोल करके उसमें पैसे डालकर देता है। अगर पहले से खाता खुला है तो उसमें उस खाते में पैसे डाल देगा, हाँ भैया 900 रुपया मैंने आपके खाते में डाल दिया, जाओ आपको जब काम होगा निकाल लेना, ठीक है। तो ए वाला व्यक्ति बैंक के पास क्यों आया था, क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, ठीक है। वो बैंक के पास आया, 900 रुपए का जुगाड़ करके चला गया। अब वो व्यक्ति क्या हो गया, इत्मीनान रख लिया अपने पास कि हाँ हमारे पास 900 आ गए हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं। अब क्या होता है दोस्तों, बैंक ने उसी 900 रुपए को जो सामने वाले को दिया, उसमें भी अपना दिमाग लगा लिया और मान लिया कि जो व्यक्ति लोन ले रहा है ये भी पूरा पैसा एक साथ थोड़े खर्चा करेगा। मान लो 10% निकाला तो बाकी का 810 रुपया बच जाएगा, बाकी का 810 रुपया बच जाएगा। सुनना ध्यान से, तो ये आगे समझा रहा है कि 900 रुपए का ऋण ले लेता है, बैंक ए के नाम पर एक खाता खोल देता है, पासबुक जारी करके 900 रुपए की एंट्री कर देता है, अर्थात व्यक्ति ए अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी इस रुपए को निकाल सकता है। यहां पर भी बैंक अपने अनुभव के आधार पर यही सोचता है कि बैंक व्यक्ति एक बार से अधिक जो है 10% से अधिक धन की आवश्यकता नहीं होगी, ये अनुभव है, ठीक है, और ऐसा कर लेता है। तो आगे बता रहा है कि अब क्या करता है, व्यक्ति के पास चेक है, जब उसको निकालना रहेगा निकाल लेगा, ठीक है। 10% निकालेगा दोस्तों तो क्या होगा, 90 रुपया निकाल लेगा, तब भी बैंक का 810 रुपया अभी भी बैंक के पास पड़ा रहेगा। अभी किसी नए का पैसा नहीं है, जिसने 1,000 जमा करके गया था ना उसी के पैसे से काम चल रहा है, ठीक है। उसी के पैसे को लेकर 900 रुपया बांट दिया और अब 90 रख करके 810 जो बचा है फिर से बांट दूंगा, ले जाओ 810 रुपया, जरूरत थी तीसरे व्यक्ति को और बैंक ने उस तीसरे व्यक्ति को लोन दे दिया। आप कहोगे सर ये क्या कर रहा है बैंक, ये बैंक ऐसे ही करते जाएगा, कब तक करेगा बैंक ऐसा? अरे जब तक जीरो ना आ जाए, जब तक जीरो ना आ जाए ये बैंक तब तक ऐसा काम करता है जब तक जीरो ना आ जाए। एक चीज और बताऊं, आइए देखते हैं, आगे दिखा रहा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक चीज दिखाता हूं यहां पे, पहले इसको देखिए, एक ग्राफ आपके लिए बनाया हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, सुनिएगा ध्यान से। मैंने आपको बताया ना पहले 1,000 रुपया बैंक के पास डिपॉजिट हुआ, ठीक है, बाद में बैंक ने 100 रुपया अपने पास रख करके 900 रुपया क्या कर दिया, लोन दे दिया। ये देखिए लोन वाला यहां अमाउंट लिखा है, यहां क्या लिखा है, यहां पर लोन लिखा है और यहां पर कैश रिजर्व लिखा है, ठीक है, कैश रिजर्व यानी जो पैसा बैंक ने अपने पास रखा है और यहां पर डिपॉजिट लिखा है, डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट लिखा है। तो अब देखिए ये 900 रुपया बैंक ने लोन दे दिया, बाद में 90 रुपया अपने पास रख लिया इस 900 का और 810 रुपया लोन का पड़ गया, बाद में 81 रुपया अपने पास रख लिया 10% यहां 729 आ गया। सोचो बैंक के पास डिपॉजिट हुआ था 1,000 रुपया, अभी बैंक के पास खाली 271 रुपए रिजर्व रखा है और 2439 रुपए का लोन बैंक बांट चुका है।
आप समझ रहे हैं, 2439 रुपए का बैंक जो है लोन बांट चुका है। तो ऐसे याद रखिए, जब तक ये पैसा जीरो नहीं हो जाता तब तक ये बैंक लोन बांटता रहता है। तो बात आता है दोस्तों, क्रेडिट क्रिएशन बनता कैसे है? बनता है ऐसे, मान लीजिए 1000 रुपया जमा हुआ, 1000 रुपया बैंक में जमा हुआ, ठीक है, और 10% इसका है तो 1/10% हो जाता है। जब ये वैल्यू निकालते हो ना तो ये अपने आप क्या हो जाता है, जा करके 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर किसी ने 1000 जमा किया है और हम 10% रुपया रखते जाते हैं, बाकी इशू करते जाते हैं, तो यह क्रिएशन कितना बनेगा, 10,000 बन जाएगा। अगर आपने यहां पर 20% रखा है तो यहां पर क्या बन जाएगा, 5,000 बन जाएगा, ठीक है, 5,000 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ये पूरी कहानी चलती रहती है बैंक के साथ। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा टिपिकल आपको लग सकता है, लेकिन आपको क्रेडिट क्रिएशन पर ध्यान देना है, क्योंकि आगे बहुत कुछ मैं आपको इससे जुड़ी हुई कहानी बताऊंगा, तो मनी एंड बैंकिंग में आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, खास करके जब आपको क्वालिटेटिव बताऊंगा और क्वांटिटेटिव यानी परिणामात्मक और उपचारात्मक इस तरह की जो नीतियां होती मौद्रिक, जब उसके बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा और ये टॉपिक बीच बीच में आपको परेशान करेंगे। तो समझ में आ रहा है आपको कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ चीजों को और बताता हूं। अच्छा, पीछे भी कुछ चीजें छूट गई थी क्या, ये वाली लाइन, आइए अब देखते हैं कि एक बैंक ने 1000 रुपए का नगद जमा करके कितने लोगों को ऋण दिया। वही चीजें जो आपको बताया जा रहा है यहां पर, बस वही चीजें, ठीक है, कुछ अलग से नहीं है, बस लिख दिया गया है। अच्छा, बात आती है दोस्तों साख निर्माण की मुख्य रीतियां क्या है, तो स्पेशली दो रीतियां हैं और दो रीतियों में से पहली रीति है कागजी मुद्रा का निर्गमन करना यानी इशू करना, इशू आप पेपर करेंसी। अब देखिए इसके बारे में बता रहा है, कह रहा है 19वीं शताब्दी में प्रायः सभी बैंकों में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार प्राप्त था। 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है, आज 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है, तो हर बैंक अपना मुद्रा अलग निकालता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे समय बदला और ये पत्र मुद्राएं ही साख मुद्रा के रूप में प्रचलित होने लगी। वर्तमान समय में मुद्रा निर्गमन का अधिकार केवल और केवल किसके पास है, केंद्रीय बैंक के पास है, सेंट्रल बैंक के पास है, आरबीआई के पास है, जो क्या कर सकता है, मुद्रा का निर्गमन कर सकता है, और कोई दूसरा बैंक, कोई व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूशन कोई मुद्रा का निर्गमन नहीं कर सकता, ठीक है। करा केंद्रीय बैंक भी मुद्रा के निर्गमन से ही साख का निर्माण करती है, मुद्रा के निर्गमन से ही साख का निर्माण करती है। सुनिए, क्योंकि आजकल वह पत्र मुद्रा के पीछे 100% धातु कोष नहीं रखती है, धातु कोष नहीं रखती। इसका मतलब क्या है, इस लाइन को तोड़ करके इसके पीछे की बात बताता हूं। दोस्तों मान लीजिए पांच लोग हैं सामने मेरे, पांच लोग खड़े हैं, ए बी सी डी ई, पांच लोग खड़े हैं, सब लोगों के हाथ में 10,000 रुपए हैं, कुल मिलाकर कितने हो गए, 50,000 हो गए। 50,000 रुपए ये बैंक के पास लेकर आए और बैंक को दे करके इन्होंने कहा ये कागज का नोट हमको नहीं चाहिए, इसके बदले में हमें क्या दो, हमें कोई वैल्यूएबल चीज दो। बैंक ने कहा तुमको क्या दे दूं, तो इन्होंने कहा हमको गोल्ड दे दो, 10,000 के बराबर सोना दे दो। क्या दे दो, सोना दे दो, किसके बराबर, 10,000 के बराबर सोना। बैंक ने कहा इतना सोना हमारे पास नहीं है, उन्होंने कहा चांदी दे दो, तांबा दे दो, एल्युमिनियम दे दो, लेकिन दे दो, ये तुम्हारा कागज का नोट हमें नहीं चाहिए। और हमें क्या चाहिए, हमें पहला प्रायोरिटी क्या है, हमें सोना ही चाहिए। तो एक बात बताओ, ऐसे क्यों, अच्छा बैंक को देना भी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बैंक ने क्या किया है, उतने वैल्यू का हस्ताक्षर किया है कि हाँ मैं 10,000 इनको देने का वचन देता हूँ, 10,000 इनको देने का वचन देता हूँ। भाई नोट जिसके पास रहेगी, वचन पत्र उसके पास रहेगा ना, इसीलिए कहा जाता है यह विधिग्राह मुद्रा होती है। क्या होती है, विधिग्राह, यानी कानूनी रूप से मान्य मुद्रा कही जाती खाली है, ठीक है। लेकिन अब ये याद रखिए, अब हर व्यक्ति, अच्छा बैंक ने देखा कि मामला गर्म है तो बैंक ने अपना तिजोरी खोला और 10,000 का सोना ए को, बी को, सी को, डी को, री को दे करके बोला भागो यहां से जाओ, ठीक है, अपना पैसा अपने पास रख लिया, सोना उठाकर उनको दे दिया। एक बात बताइए, अगर दुनिया भारत के सभी लोग इस तरह से बैंक के पास पहुंच जाएं और कहें हमको सोना दे दो, तो बैंक क्या करेगी, क्या बैंक की लायबिलिटी ये नहीं है, बिल्कुल है लायबिलिटी, और बैंक को देना भी पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ सर कि बैंक हर रुपए के पीछे अपने पास कुछ रिजर्व करके रखती है, रखती है नहीं, 1957 के पहले तक रखती थी,
अब नहीं रखती है। ठीक है, याद रखिए, अब मुद्रा के पीछे 100% धातु कोष नहीं रखा जाता है। ठीक है, बस उस पर हस्ताक्षर करके जारी कर दिया जाता है कि भारत सरकार आपसे क्या करती है, ये कहती है, वचन देती है कि आपका पैसा अगर कोई नहीं चुकाएगा तो भारत सरकार चुकाएगी। ठीक है, उस वैल्यू के बराबर बॉन्ड देगी, उस वैल्यू के बराबर आपको कोई चीज दे देगी, लेकिन आपका पैसा डूबने नहीं देगी। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब आगे देखते हैं, करे संपूर्ण पत्र मुद्रा। कई बार आपके मन में आता होगा ना कि आरबीआई कहें ऐसा नहीं करती है कि बहुत सारे लोग गरीब हैं, मशीन उसके पास है, नोट छाप करके मार्केट में बांट दे, नोट छाप करके मार्केट में बांट दे, अरे पूरी मार्केट गिर जाएगी, पूरी इकोनॉमी गिर जाएगी, पूरी अर्थव्यवस्था धराशाही हो जाएगी। अब आप कहोगे सर कैसे, बताऊंगा कैसे, थोड़ा समय दो, एक ही टॉपिक को पढ़ोगे तब समझ में आएगा। संपूर्ण पत्र मुद्रा के बदले में निश्चित धातु आड़ या आनुपातिक धातु आड़ ही रखी जाती। इस समय दोस्तों एक फिक्स कर दिया है सरकार ने, हमारे यहां फिक्स किया 200 करोड़ रुपया। ठीक है, 200 करोड़ रुपया सरकार अपने पास रखती है, जिसमें से 85 करोड़ का सोना और 115 करोड़ का जो है विदेशी रिजर्व वो अपने पास रखती है। ठीक है, ये अभी वो रखती है, इसके ऊपर जो है वो जारी कर सकती करेंसी, इसी को दोस्तों आनुपातिक धातु आड़ कहा जाता है। कारण तथा शेष पत्र मुद्राओं के लिए केवल प्रतिभूतियों की आड़ ही रखी जाती है और यह प्रतिभूति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। आगे बता रहा है कि अतः कागजी मुद्रा का वह भाग जिसके पीछे धात्विक आड़ नहीं होता है, धात्विक आड़ मतलब जिसके पीछे धातु नहीं रखा गया है, नहीं होता है, यह केंद्रीय बैंक के साख पर ही बाजार में प्रचलित रहती है। दोस्तों आरबीआई ने इतना विश्वास, साख मतलब विश्वास, आरबीआई ने इतना विश्वास बनाकर रखा है कि नोट जिसके पास है कागज का, वह व्यक्ति मानने को तैयार है कि पूरे भारत में इस नोट से कुछ भी खरीदा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह मुद्रा का मूल्य है, उस कागज का मूल्य है। और किसके विश्वास पर? याद रखिए, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के विश्वास पर यह कागज का मुद्रा जो है इसका मूल्य माना गया। अदरवाइज ये कागजी मुद्रा का क्या मूल्य है? वो धातु थोड़े है, वो सोना चांदी ताबा थोड़े है कि उसका कोई वैल्यू होता नहीं, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक कागज का नोट है। लेकिन विश्वास है, क्रेडिट माने विश्वास, और किसका विश्वास? सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का विश्वास है। इस वजह से हर व्यक्ति मानने को तैयार है कि नहीं, नोट में दम है। ठीक है, आगे देखिए, करा इस प्रकार केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित नोट, जो नोट केंद्रीय बैंक इशू करता है, भारत सरकार निकालता है, ठीक है, एक प्रकार का साख पत्र कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछता है, क्या नोट साख पत्र होते हैं? अब आपको कभी रटने की जरूरत पड़ेगी। कई लोगों को लग रहा होगा सर फर्जी का पढ़ा रहे हैं, अरे फर्जी का नहीं, चैलेंज कर रहा हूं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो हुआ था 2018 में, पेपर उठा के देख लो, 17 या 18 क्वेश्चन केवल इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे, केवल इकोनॉमिक्स से, और आने वाले समय में बाकी सब विषयों से कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। नहीं विश्वास है तो जब समय आएगा देख लेना, इस बार के एग्जाम में देख लेना, इस बार अगर 15 से नीचे प्रश्न पूछ दिया इकोनॉमिक्स से, 15 से नीचे कभी जिंदगी में नहीं पूछ सकता। इस बार मैं आपको टारगेट कर रहा हूं 20 क्वेश्चन कम से कम आएगा इकोनॉमिक्स से, 20 क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक्स से। ठीक है, और देखता हूं आप सभी करते क्या हो, कितना करके आते हो, अभी भी समझा रहा हूं जो चीजें पढ़ाई जा रही, पढ़ते चलो, कुछ नहीं तो प्रीलिम्स तक में बहुत चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी हम एकदम जुट गए हैं इकोनॉमिक्स को ही कवर करने में। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आगे बता रहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित नोट एक प्रकार के साख पत्र होते हैं। अब कभी भी कोई आपसे पूछे कि नोट को साख पत्र कहा जाता है क्या? जी हाँ, नोट को साख पत्र कहा जाता है। चेक को साख पत्र कहा जाता है क्या? जी हाँ, चेक भी साख पत्र होता है। क्यों? क्योंकि चेक के पीछे भी विश्वास होता है उसके बैंक का कि उसका बैंक उसको पेमेंट करेगा, होता है कि नहीं। हुंडी को साख पत्र कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। ये जो बिल्स वगैरह लिखे जाते हैं इनको साख पत्र कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। ठीक है, याद रखिए, क्या डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी को साख पत्र कहा जा सकता है? हाँ, कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी मुहर होती है बैंक की और बैंक इसको साख पत्र बनाता है। समझ रहे हैं? आगे देखिए, कह रहा है किंतु ये सभी मुद्राएं क्या है? विधिग्राह्य हैं। क्या है? विधिग्राह्य हैं। नियम के अनुसार जो है इनको बनाया गया इनका वैल्यू, अतः इन्हें पूर्णतः बैंक साख नहीं माना जा सकता। देखो, एक तरफ से तो मानते हो, दूसरे तरफ कह रहा है कि पूर्णतः यानी कंप्लीटली बैंक साख नहीं माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और समझते हैं कि क्या है या क्या नहीं। सुनिएगा ध्यान से,
ये तो था पहला कि अगर आप नोट का निर्माण करते हो तो। दूसरा है जमा राशियों से साख का निर्माण। जो पैसा जमा होता है उससे भी साख का निर्माण होता है। जैसे पैसा को इशू कर दिए तो उससे तो क्रेडिट क्रिएशन होगा ही, क्यों? अरे विश्वास है आरबीआई का, तो वैसे ही क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है। लेकिन जो पैसा जमा है ना उससे भी होता है। कैसे? आधुनिक समय में बैंक अपने पास दो प्रकार की राशियां जमा के रूप में रखता है। पहला है प्राथमिक जमा राशियां, दूसरा व्युत्पन्न। प्राथमिक जमा यानी प्राइमरी डिपॉजिट, शुरू में ही बताया, जो स्टार्टिंग में 1,000 रुपया ले जाकर बैंक में जमा कर दिया था वही तो था प्राथमिक जमा। निष्क्रिय जमा याद आया? याद रखिए। करा प्राथमिक जमा राशियां, जब कोई ग्राहक बैंक में जमा खाता खोलकर नगद या चेक जमा करता है तो उसे प्राथमिक जमा राशि कहते हैं। उसे प्राथमिक जमा राशि कहते हैं। बैंक अपने अनुभव से यह जानता है कि जमाकर्ता एक समय में अधिक से अधिक कितनी राशि को निकालता है, ठीक है, और यह एवरेज फाइंड किया जाता है, एवरेज, ठीक है। आगे बता रहा है, यह उतनी ही राशि को अपने पास रख करके शेष राशि ग्राहकों को ऋणों या पेशगियों के रूप में दे देता है, ठीक है, और बदले में उस ऋण के ऊपर ब्याज भी लेता है। यह भी तो फायदा है बैंक का। तो याद रखिए, ये जमा राशियों के माध्यम से साख का निर्माण हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? आएगा, जरूर समझ में आएगा। आगे देखिए, व्युत्पन्न जमाएं क्या होती है। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न को सक्रिय बोलते हैं, प्राथमिक को निष्क्रिय बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। कर जब कोई ग्राहक बैंक से ऋण लेता है, क्या लेता है, बैंक से लोन लेता है, तब बैंक उसे नगद राशि न देकर उसके नाम पर एक खाता खोल करके ऋण की राशि उसमें जमा कर देता है। आया था लोन देने, नगद दे दिए होते? नहीं, नगद नहीं दिया, उसको खाता खोलकर जमा कर दिया, ठीक है। और उसके आगे बता रहा है, ऋणी संपूर्ण राशि अथवा छोटी छोटी राशियों के रूप में बैंक से ले गई ऋण की राशि को निकाल सकता है। बैंक जैसे ही ग्राहक के ऋण का खाता खोल करके ऋण राशि उसमें जमा करता है, बस यही व्युत्पन्न जमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न जमा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह पैसा वो कभी भी निकाल सकता है पूरा का पूरा, ठीक है, और उसी पैसे को रोटेट कराया जा रहा है। तो इसको याद रखिए, व्युत्पन्न जमा हो गया। प्योर जमा कब है? जब सामने से आके डायरेक्टली पैसा जमा हो जाए, और जब लोन वाला पैसा रखाता है वो आपका व्युत्पन्न जमा कहलाता है। अच्छा, बहुत आसान चीज है, लेकिन जब परीक्षा में आता है ना, डिस्टर्ब कर देता है। क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, एमसीक्यू भी कराऊंगा। अभी तक क्या था कि चैप्टर पढ़ाने के बाद एमसीक्यू में नहीं करा पाता था, लेकिन अब एमसीक्यू भी आपको दिया जाएगा, ताकि आप देखिए, आज नहीं, जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा मनी एंड बैंकिंग, कम से कम 50-100 क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ताकि आप देखो कि जो मैं आपको पढ़ाया हूं वो परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। ज्यादा नहीं, 2-3 लेक्चर इसका और आएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बता रहा है, वैसे ही जमा राशि के बराबर साख का सृजन हो जाता है। कौन सा? वो लोन वाला पूछ रहा है, लोन वाला बता रहा है, ठीक है। लोन वाले पैसे को जैसे ही आपने अकाउंट बना करके बैंक अपने पास रखा, बस वहीं से साख का सृजन मान लिया जाता है, ठीक है। कर जमा राशि सक्रिय जमा राशि कहलाती है, यानी ये जो है व्युत्पन्न जमा राशि कहलाती है। चूंकि ऋण द्वारा जमा राशि से साख का निर्माण होता है, इसलिए इसे व्युत्पन्न जमा राशि भी कहते हैं। कारण यह है कि इसमें ऋण ली गई राशि सक्रिय मुद्रा की तरह से बैंक से निकाली जा सकती। क्यों? एकदम आदमी लोन लिया ही है क्योंकि उसको जरूरत बहुत ज्यादा है। जब ज्यादा जरूरत होती तभी बैंक से लोन लिया जाता है, और वह इमीडिएटली या बहुत कम समय के लिए बैंक में हमने पैसे को रखा है, नहीं तो तुरंत क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, वहां से निकाल लेगा। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। करा ये सक्रिय जमा राशियां, ये सक्रिय जमा राशियां अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रा पूर्ति में विशुद्ध वृद्धि करती हैं। कैसे? अगर टोटल अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो ये विशुद्ध वृद्धि करती हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि ऋणी जैसे ही ऋण राशि को लौटाता है, जैसे आज मान लीजिए किसी ने लोन ले लिया, ठीक है, तो उस समय यहां पर क्या हुआ, विशुद्ध जमा पूंजी में वृद्धि हुई। और बाद में जैसे ही लोन का अमाउंट वापस हमें किया जाता है, पैसा मिलता है, ठीक है, लौटता है, तो बैंक के द्वारा जो व्युत्पन्न जमा राशि पैदा हुई रहती है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है, ऑटोमेटिक वह वहीं से समाप्त मान ली जाती है, और मुद्रा की कुल पूर्ति में विशुद्ध राशि के बराबर की कमी हो जाती है। क्यों? स्टार्टिंग में जैसे ही क्रेडिट क्रिएशन हुआ तो विशुद्ध राशि में वृद्धि हुई, और जब ये लोन का अमाउंट वापस आ गया तो विशुद्ध राशि उतना ही पैसा से कम हो गई, है कि नहीं? क्या कठिन हो गया यार? सिंपल तो है, दिया तो बड़ा, आ गया तो कम होकर के बराबर हो गया, खत्म हो गया, है कि नहीं? यही तो है। करें संक्षेप में, सुनिएगा, संक्षेप में बैंक द्वारा ग्राहक में ऋण देने से साख मुद्रा का निर्माण होता है।
साख मुद्रा का निर्माण होता है। कोई पूछे कि साख मुद्रा का निर्माण कैसे होता है, आप उनको बताइए कि साख मुद्रा का निर्माण जब बैंक लोन देती है ना तब हो जाता है, या तो आरबीआई जब इशू करेगा तब हो जाएगा, है कि नहीं? जब बैंक लोन देगी तभी ना होगा, है कि नहीं? जब बैंक लोन देता है तब साख मुद्रा का निर्माण होता है। कैसे, तो बता दीजिए, एग्जांपल देके, 1000 दिया लो, अपने पास इतना रखा और इतना आगे बढ़ाया, फिर इतना रखा 10%, फिर आगे बढ़ाया, फिर 10% रखा, फिर आगे बढ़ाया, ऐसे कब तक, जब तक जीरो ना हो जाए। सब जोड़ के देखना, इसी 10% के वैल्यू के बराबर ही आएगा। 1000 रहेगा तो 10% के हिसाब से 10000 बनेगा, समझ रहे हैं? ये देखना, अरे 100/10 कर दो ना, क्या है भाई, मैंने परसेंटेज नहीं पढ़े हैं क्या, पढ़ लीजिएगा आगे देखिए। लेकिन ग्राहक द्वारा बैंक को मुद्रा लौटा देने से जो साख मुद्रा का जन्म हुआ रहता है उतना साख मुद्रा कम हो जाता है। बस कहानी खत्म यहीं पे। तो ये चैप्टर दोस्तों मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आगे मुझे आपको पढ़ाना है M1, M2, M3, ठीक है? ये बहुत टिपिकल टॉपिक है, बहुत टिपिकल टॉपिक है। और अगर आपको इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ना है तो जितनी चीजें मैं पढ़ाऊं ना, आप आंख बंद करके उतना पढ़ते जाओ, क्योंकि आगे इकोनॉमिक्स आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा अगर आप मेरे बताए गए अकॉर्डिंग चलेंगे। आज मैं जानबूझकर छोटा टॉपिक रखा था क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन थोड़ा सा टेक्निकल होता है, और आगे M1, M2, M3 वाला जो टॉपिक रखूंगा वो भी बहुत टेक्निकल है, तो इन दोनों को जोड़ करके आगे लेके पढ़ाऊंगा आपको और भी चीजें। ये दो टॉपिक मनी एंड बैंकिंग में सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। अब क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा दिया हूं तो अब आरबीआई के मौद्रिक पॉलिसी के बारे में आपको बता सकता हूं, ठीक है? और बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।